Yo, what's up guys, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस जल्दी से आकर सब्सक्राइब थोक दे एंड लाइक भी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था, लास्ट वाली वीडियो में सीन था कि हम अपने शोरूम के लिए मतलब भाई कुछ देख रहे थे कि शोरूम मतलब एक ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें जो शोरूम के फरारी के साथ हमने पार्टनरशिप की है उसको हटा देना चाहिए। तो ये सीन हुआ था और मैं सोच भी रहा था उसको हटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मुझे उसको मैंने जाना था, क्या नाम है, अपने बिग माफिया के भाई को, ठीक है। तो बिग माफिया के भाई को जब हम मिलने गए, उसके बाद अब जब मेरे घर पर आए, वहां पर आते हैं टेररिस्ट पूरी ढक्कन और यूरोपियों की फोर्स ने आकर क्या ही कब्जा बैठा रखा है। और आके भाई सब क्या कितने सारे बंदे मारे, अभी भी कुछ बंदे वहां पे बचे हुए हैं, पता नहीं आखिरी टाइम में देखे थे तो मतलब एक बचे नहीं थे, मतलब कोई आ ही नहीं रहा था बढ़ने के लिए, सब के सब मर चुके थे। मैंने और बिग माफिया के भाई ने बहुत तगड़े वाला उनको मारा था। तो उसके बाद तो गाइज अभी हम भाग गए थे, ये एक बुगाटी डी वो हमें रास्ते में पड़ी मिल गई थी, तो इसी को उठा के हम तगड़े वाला भाग गए थे। एंड ड्राइवर और फ्रैंकलिन को मैंने कॉल करके बोल दिया था कि मत आना घर पर, घर पे बहुत ज़्यादा गंदा वाला सीन हो रखा है, ठीक है। तो उसके बाद गाइज हम लोग तो यहाँ पर भाग के आ गए थे, अभी तो सुबह हो रही है, हमने यहीं पे मतलब गाड़ी के अंदर ही थोड़ा सो गए थे, बट अभी तक पूरी तरह नींद हमारी पूरी नहीं हुई गाइस, सही बता रहा हूँ। और आज का सीन क्या है ना, आज का सीन मुझे फरारी वगैरह के पास जाना है एंड उनको बोलना है कि हम आपके बैनर्स वगैरह हटा रहे हैं, ठीक है। और वो जो मेन शोरूम जिसने हमें दिया है ना, अभी उसको भी पेमेंट देनी है हमने, ठीक है। तो उसको भी आज पेमेंट देने के, उसके बैनर्स वगैरह सब हटा देंगे अपने शोरूम में से, ठीक है। तो क्या, हम अगर पेमेंट दे देंगे तो शोरूम में से बैनर भी हट जाएंगे, तो ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। और मतलब एक जो भी उसके लोगो शोगो सब लगा रखे हैं ना हमने, और वो सब का सब फरारी का हट जाएगा और बस नॉर्मल एक डिसेंट सा शोरूम बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हटवाना है, बट उसके लिए सबसे पहले हमें फरारी वालों के पास जाना है और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स जो उनकी है वो भी मतलब देखनी पड़ेगी। और उसके बाद एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ ये कि बस हमें जाना है शोरूम के मेन मालिक के पास, जिसको हमें अभी हमने पे नहीं करा है, ठीक है। और भाई घर पे भी जाना है, अभी सबसे पहले तो घर पे ही जाना है, क्योंकि आप सभी को पता कपड़े वगैरह पहनने, एक बार इसको बिठा देते जल्दी आ जा ब्रो, गाड़ी में बैठ जा। ओके गाइज ये भी अभी आ रहा है गाड़ी में, आ जल्दी गाड़ी में बैठ जा। तो ओके गाइज अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं मेरे घर की तरफ एंड वहाँ पर भाई सही बता रहा हूँ, अगर कोई वहाँ पे नहीं दिखा सही तो मतलब भाई अंदर जाना, क्योंकि जो सबके सब हमने पैसे यूनिटी डिपॉजिटरी से हमने चुराए थे वो सबके सब पैसे हैं घर के अंदर। बट घर के अंदर जो हमारा सीक्रेट रूम है, जैसे कि आप सबको पता है वो दीवार के साइड में एक सीक्रेट रूम है और वो दिखता भी नहीं है किसी को, तो उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर पैसे और क्या क्या है नीचे। तो क्या सीन है ना, अभी हम चलते हैं मेरे घर की तरफ फटाफट से। और मैंने फ्रैंकली एंड ड्राइवर को भी बोल दिया कि अभी बी अवेयर, गन्स वगैरह खरीद लो, क्योंकि कभी भी टेररिस्ट का अटैक हो सकता है मेरे नए घर पे ही। उनको पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन चलेगी कि ये मेरा नया घर है, तो वहाँ तक ही आ गए, तो मतलब एक ड्राइवर फ्रैंकली तक कमेंट में ऐसे पहुँच जाएंगे उनका क्या है, ठीक है। सो हमने बोल दिया बस अभी आराम से, एक बार भाई आके कट देता हूँ मुझे भी। तो ओके गाइस अभी चलते हैं फटाफट से मेरे घर की तरफ। तो ओके गाइस अभी हम लोग पहुंच रहे ही वाले हैं मेरे घर की तरफ, बस मेरा घर पास ही में है, बस अभी यहाँ सब सीधा जाएंगे। हाँ बस आ गया ना, बस आ गए, ये आ गया अपना लेबर मेंशन, इसी के आ गया अपना वो घर है वो दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर कोई गुंडे गुंडे तो नहीं, टेररिस्ट वगैरह तो नहीं है ना, बस ठीक है बढ़िया बात है। और ये क्या कर रहा है, हाँ भाई क्या कर रहा है मेरे घर में, आते जाग गया यार। बाकी गाड़ियाँ, अच्छा वो मेरे MBBS कहाँ है, वो तो इधर ही खड़ी थी। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस ये क्या हो चुका है, बट मेरी MBBS कहाँ गई गाइस, यहीं पे मैंने खड़ी करी थी और वो दोनों गाड़ी घर पे थी उस टाइम पे जब हमारी लड़ाई चल रही थी यहाँ पर। बस कुछ भाई वो गाड़ी ले गए या क्या करा उन्होंने भाई, अबे यार
मैं उसको सोच रहा था, उस गाड़ी को वैसे ही मैं बेचने वाला था गाइस मेरे शोरूम में। सोचता था कि नया वाले शोरूम में उस गाड़ी को बेच दूंगा भाई साहब। यार शिट यार शिट यार शिट 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 शिट। चल तो भाई क्या नाम है बिग माफिया का भाई, तो 2 मिनट इधर रुक जरा, मैं अंदर से जरा अपना सामान लेकर आता हूँ ठीक है। तो ओके गाइस, अभी मैंने इसको बोल दिया कि 2 मिनट तो यहीं पे वेट कर जब तक मैं अंदर से मेरा सामान लेकर आता हूँ फटाफट से अपने, क्योंकि इसको भी मैं बताना नहीं चाहता कि मेरा इधर सीक्रेट रूम भी है, इसको नहीं बताना चाहता। मैंने इसमें रखे थे ना, हाँ ये वाले रूम में गाइस मैंने रखे थे सबके सब पैसे एंड गोल्ड। हो भाई साहब ये सब कुछ पड़ा गाइस देख सकते हैं आप सभी, इन सबको ना मैं फटाफट से ना मेरे बैग में भर लेता हूँ। तो ओके गाइस चलो अभी चलते हैं, मैंने सबको इसमें भर दिया है तीनों बैगों में, एक ब्रीफ केस के अंदर इन सबको मैंने भर तो लिया। चलो बढ़िया बात है, अभी मस्त चलते हैं इधर से फटाफट से बाहर चलते हैं। बाहर वो हमारा वेट कर रहा होगा वहाँ पर, यार बाहर तो वो वेट कर ही रहा होगा, हाँ खड़ा तो। चलो भाई वो यार इसका अफसोस है, बैनी ने इतनी मुश्किल से इसको मतलब एक करा था, मतलब एक इतना अच्छा बनाया था, इसी को इसने फाड़ दिया और मेरी MBBS भी उठा के ले गए, या पता नहीं क्या करा, आई डोंट नो। बट सही बता रहा हूँ, ये भाई मैंने ने बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत कर दी, क्या गाड़ी को क्या बना दिया था, और मैंने इस गाड़ी को रेयर ही भाई ये एक ही थी पूरी सिटी के अंदर, तब भी इसको फाड़ दिया यार, उसका अफसोस हो रहा है। चलो कोई नहीं, आ जा ब्रो जल्दी गाड़ी में बैठ जा। चल भाई फटाफट से अब गाड़ी में बैठ जा, मतलब अब चलना है, अभी हमें इन सब पैसों को लेकर अभी जाना हमने फरारी के उसको मिलने, क्या नाम है अपना ये मेन जो बंदा जो हमें सब कुछ चीज़ें करता है, गाड़ियाँ वगैरह फरारी की जितनी भी आई हैं उनसे बात वगैरह करनी पड़ेगी कि तुम्हारे साथ मुझे पार्टनरशिप ख़त्म करनी है। और मैंने उनको अपने शोरूम पे ही बुला लिया वैसे तो, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने उनको शोरूम पे बुला तो लिया, फटाफट से मेरे शोरूम चलते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर कहीं देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, बाकी उनसे बात करते हैं, फटाफट से मेरे शोरूम पहुंच जाते हैं। तो ओके गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मेरे शोरूम की तरफ, आराम 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 आराम, हाँ तो अभी हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट मेरे शोरूम पर। एंड भाई सब आई थिंक सब वो आ तो चुका है, हाँ उसकी गाड़ी तो गाइस खड़ी है, गाड़ी तो गाइस ये वाली खड़ी तो है, वो सामने भी खड़ा है। चलो गाइस ये रहा सामने, इसी बंदे से हमने बात करने और इसी का मतलब इस बात करने के मतलब हमें आपसे पार्टनरशिप ख़त्म करनी। मैंने अभी इसको बताया नहीं, बस इतना बोला कि मुझे मिलना है आपको मेरे फरारी के शोरूम पर, जल्दी से आ जाओ, जरा इससे बात कर लेते तो उसके बारे में, उसके बाद देखते कि भाई क्या होता है क्या नहीं। तो ओके गाइज मेरी इनसे बात हो चुकी है, एंड ये लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है ना तो हमारे साथ डील रखी क्यों थी, अगर तो मैं यही वगैरह सब कुछ करना था ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई डील की बात नहीं है भाई, कि हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तुम्हारे तो फरारी की गाड़ियों से, हमें सब गाड़ियाँ बेचनी है अपने शोरूम में। तो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जो भी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं ना वो भी मैं ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो और जो भी मतलब एक पैसे 2 गाड़ियों को मिल जाए वो हमें दे दो। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें पैसे हैं भाई, अलग चौड़ हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ गोली वगैरह बजा दूंगा इसके, मैं गुस्से में सही बता रहा हूँ भाई, अलग ही चौड़ में भाई ये कुछ नहीं समझ आ रही इसकी मुझे, ये अलग चौड़ में बंदा रुको जा भाई। ओ भाई ये क्या नाम है तेरा बिग माफिया का, भाई जरा ये ब्रीफ केस पकड़े इसको, मैं जरा बताता हूँ। तो ओके गाइज मैंने इन इसको पकड़ा दिया मेरा ब्रीफ केस, जरा इसको मैं बताता हूँ ये What कि तू exactly is बनेगा that? ज़्यादा है, तू ज़्यादा बनेगा, तू ज़्यादा बनेगा भाई, अलग ही चौड़ में आएंगे ये वाले बंदे तो भाई, कुछ नहीं समझ आ रही मुझे तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसे थी तेरी ऐसे थी, फालतू में गैस पंगे हैं भाई फालतू में, इनको पैसे मैं देता हूँ, रुक जा आ जाएंगे पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ी लेने। अब गैस सही बता रहा हूँ ना, जो जो अभी गाड़ियाँ हैं भी ना उन गाड़ियों को भी मैं रखूँगा और बाकी गाड़ियाँ और भी लाऊंगा उनको बेचने के, जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ ये हमारा, जल्दी बैठ जा जल्दी बैठ जा फटाफट से बैठ जा। फोकस अगर सभी हम फटाफट से चलते हैं, एक और मुझे जाना था बंदे के पास, मीटिंग में जाना है वैसे तो उनकी, बट क्या सीन है ना अभी वो बंदा मुझे बुलाया उधर व्हाइट हाउस की तरफ, जैसे कि आप सभी को पता वो वाइनवुड हिल्स के उधर ही है सबसे ऊपर, एंड वहीं पे जाना हमने फटाफट से यार, क्योंकि वहीं पे जो मेन जिससे हमने मतलब जिसको हमने शोरूम की पेमेंट करनी है ना वो क्या नाम है ऊपर ही मिलेगा मुझे,
पर देखना मैं उसको बताऊंगा ये कांड क्या ऐसा ऐसा ये सब कुछ हो चुका है फरारी वाला जो भी था ये बंदा ये फरारी वाले के साथ ऐसा सीन हुआ है जो उसके बाद बोल दूंगा कि जो तुमने अभी शोरूम दे रखा है मुझे फरारी का उसके बैनर हटा दूंगा एंड उसके बाद के जो भी सीन होगा गाइस मैं उनको बता दूंगा बस पूरा का पूरा कि भाई मैं तुमसे शोरूम तो खरीदा बट बैनर उसके वगैरह हटा दूंगा क्योंकि मैंने हर एक गाड़ी बेचनी है कि तेरी अच्छी तैसी भाई गाड़ी थूक दी मैंने तो लेट्स गो यार बस ऊपर ही तरफ जाना है फटाफट से ऊपर पहुंच जाते हैं तो ओके गाइस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं फटाफट मेरी उस लोकेशन की तरफ एंड उनको मैंने बोल दिया कि जल्दी से बाहर आ जाओ क्योंकि मैं आ ही रहा हूँ बस एंड वो आई थिंक से बाहर खड़े होंगे बाकी लेट्स सी ओके ये खड़े हैं ओके ओके भाई साहब बंदे का भाई गाड़ी देख रहे क्या तगड़ी है वो फरारी के फाउंडर के पास गाड़ी इतनी टट्टी थी गाड़ी थी इसके बाद देखो भाई साहब यही सीन है तगड़ी है यार ये भी गाड़ी ये भी लेंगे कभी ना कभी तो बाकी गाइस इससे बात करते हैं एंड इसको पेमेंट कर देते हैं एंड इसको सब सीन बताते हैं कि क्या हुआ उस फरारी के शोरूम के साथ तो ओके गाइस मैंने इसको सब बात बता दी एंड ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गैंगस्टर हो मैं तुम्हें शोरूम बेचता ही ना अब जो भी शोरूम है वो मेरा है कोई दिक्कत नहीं मैं तुम्हें दूंगा नहीं अब गन पॉइंट कर रहा है गाइस देख रहे हो गन पॉइंट चल तेरी तू भी चल भाई कहाँ कहाँ से गाइस आ जाते हैं भाई कहाँ कहाँ से आज भाई सब ऐसे बंदे कि मुझे टकर रहे हैं समझ नहीं आ रही भाई ओए क्या नाम है तेरा बिग माफिया का भाई तू ये वाली गाड़ी ये करा फटाफट से मैं उस बुगाड़ी को ये कराता हूँ मेरे पीछे जल्दी आ तो ओके गाइस वो भी आ चुका है फटाफट से अभी चलते हैं भाई से सही बता रहा हूँ उसको मैंने बोला आराम आराम से गाड़ी चलाइयो ठीक है मेरे पीछे पीछे आराम से आ रहा है तो भी गाइस हम चलते हैं अपना क्या नाम है जो मेरा घर है अभी वहीं पर जाना क्योंकि मैंने पैसे तो इसीलिए उठाए थे क्योंकि ये तेरी है जी तैसी तू साइड हो जा सामने से आ गया ना बस ठीक है तो मैंने पैसे इसलिए उठाए थे कि इनको पेमेंट कर दूंगा इस शोरूम वाले को यही ज़्यादा चोट मार था यही अभी ऊपर पहुँच गया इसकी गाड़ी भी उठा ली हमने गाइस अब इस गाड़ी को भी भाई बेच देंगे मेरे शोरूम में भाई साहब सही बता रहा हूँ इस शोरूम के मैं सही बता रहा हूँ मैं तो यार शोरूम ही छोड़ दूँ यार ये वाला बेकार थे ये शोरूम में सही बता रहा हूँ गाइस ऐसे फालतू में मैंने ये शोरूम में अभी पेमेंट का शुक्र है मैंने करी नहीं इसकी तो भाई दोनों का रख भी सकते हैं मैं तो कहता हूँ कि ये फ्रेंकली ने ड्राइवर को इन दोनों में से किसी को दे दूंगा ये अपना चलाते रहेंगे मैं अपना एक शोरूम खोल दूंगा ना तो बढ़िया रहेगा तो ओके गाइस अभी हम लोग एक लोकेशन पहुंचने वाले हैं जहाँ पे मुझे जाना है एक ज्वेलरी स्टोर पे बिकॉज जो गोल्ड है ना मुझे गोल्ड को भाई साहब मेल्ट करके तू आ जा सामने वैसे गाड़ी थुकी पड़ी है और ठुकवा दे ओ भाई यार सही बता रहा हूँ उसने सत्यानाश मार दिया गाड़ी का आ जा जल्दी आ जा आ जा आ जा आ जा तो भाई अभी का सीन है अभी मुझे जाना ज्वेलरी स्टोर पर बिकॉज मुझे जो मेरा गोल्ड है वो मेल्ट करवा के मतलब इनको देकर मुझे पैसे देने हैं उसकी जगह पर बिकॉज ऑफ गाइज कुछ ना कुछ हम नया बाय करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंदर उसका तो आप सभी को पता चल ही जाएगा एक बार बस यहाँ पर उसकी वेट कर रहे थे आ जाए वो फटाफट से पता नहीं कहाँ चला गया और तेरी ऐसी ऐसी तू कौन है भाई तू आएगा मेरे साथ लड़ने चल तेरी आ जाएंगे पता नहीं गाइस कहाँ कहाँ से तो ओके गाइस मैं अंदर आ चुका एंड वो अभी बाहर ही खड़ा है वो कह रहा है मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ जब तक तुम कर कर आओ एंड ये बंदा खड़ा है इधर भाई कन्दर कहता है डर डर गया ना दिक्कत हो जाएगी भाई इसको बोलना पड़ेगा कि भाई जल्दी से ये जो गोल्ड मैं इसको देने वाला हूँ ये सबका सब ये मेल्ट कर कर आए फटाफट से और मुझे उसकी जगह पैसे दे दे तो ओके गाइस अभी ये बहुत देर लगा के भाई साहब पैसे लेकर आ चुका जितने इसके बन रहे थे गोल्ड के बहुत सारा गोल्ड था हमारे पास तो इतने बहुत सारे पैसे बन चुके हैं एंड अभी ये अपना उस पर लिख रहा है जो भी रसीद बना रही है एंड ये बोल रहा है इसमें से ये सब के सब जो भी पूरे पैसे बन रहे हैं ये बन रहे हैं पूरे के पूरे 150 मतलब 150 मिलियन बन चुके हैं पूरे के पूरे बट उसमें से 20 मिलियन ये ले रहा है बिकॉज ऑफ ये हमने रॉबरी करे हुए हैं तो इसको बताया तो है बट ये थोड़ा इलीगल वगैरह काम कर गया था कोई दिक्कत की बात नहीं बट अभी ये बोल रहा है उसमें से 20 मिलियन ये लेगा उसमें से कट है इनका टैक्स वगैरह जाएगा पता नहीं क्यों बट चलो कोई नहीं हमारे पास भाई अभी 130 मिलियन पूरे हो चुके हैं सो इन सबको मैं बैग में डाल देता हूँ जितने मैंने अभी गोल्ड निकाले थे उसकी जगह पे सब के सब आ ही जाएंगे इनको डाल देता हूँ फटाफट से तो ओके गाइस अभी मैंने सब के सब पैसे डाल दिए हैं एंड जल्दी से चलते हैं बाहर
और भाई सही बता रहा हूँ ना, अच्छे खासे पैसे मिल गए इसके भी। चलो बाहर चलते, चलो 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 चलो। वो खड़ा गाइस अभी भी वहीं पे खड़ा है, मौज ले रहा है। फटाफट से हम गाड़ी में बैठते हैं, फिर चलते हैं भाई अपने घर की तरफ। एंड इसको बोलना जल्दी से आ रहा, अपने भाई घर जाना जल्दी जल्दी आ रहा। भाई सही बता रहा हूँ, जो इसने गाड़ी का सत्यानाश मार दिया ना, बाकी वो बैन ही ठीक करेगा। भाई गाड़ी कैसी चाहता है भाई, इसके तो बॉडी गाड़ी गाड़ी चाहे वही बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी चलते हैं, मेरा घर इधर ही पास ही में है वैसे तो। और भाई इतनी तेज भी मत भगा, वो गाइस देख रहे हो कैसे कट मार मार के आ रहा है, तेरी तो साइड हो रहा है भाई। वैसे इतना वो खतरनाक ड्राइवर है भाई, मेरे से भी खतरनाक ड्राइवर है वो तो भाई। मैं तो थोड़ी बहुत ठोकता हूँ वो भाई, उसने पूरा इंजन ही उड़ा दिया है गाड़ी का। आ रहा है ना बस, ठीक है आ गया। चलो भाई आराम से आराम से आराम से। चलो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, मेरे घर पर आ गए हैं। बाकी वो आया क्या, वो कहाँ रह गया, रुक जा भाई कहाँ रह गया, वो बाहर ही खड़ा है। वो कह रहा भाई भाई अंदर आ जा जल्दी मेरे बाप। तो गाइस इसने भी गाड़ी खड़ी कर दी है। एंड बाकी गाइस अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो का वैकेंसी जरूर से कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी का इस नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ ना कुछ हम नया खरीदने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया एंड लुक्स में बहुत ज़्यादा बढ़िया। भाई हमारे घर के पास ही वो होगा, ठीक है हमारे घर के पास एक चीज़ हम बाय करने वाले हैं। बस एक बार गाइस आप भाई पट से सब्सक्राइब ठोक दें, लाइक भी ठोक दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी दबा के कर दें, बता दें भाई वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो का अगर जिसको इंतज़ार है भाई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना एंड शेयर भाई फुल ठोक देना। और डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी ज्वाइन हो जाओ, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। एंड इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी गाइस मिलते हैं नई और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।